अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिरबास खान हूँ और आप देख रहे हैं MBK डेली रूटीन व्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, आज मैं लाइक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी जो लोकेटेड है जी इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये है जी पार्क रोड, और पार्क रोड से अभी हम जा रहे हैं पार्क व्यू सिटी की तरफ। आज मैंने सोचा आप लोगों को इसकी एक ओवरव्यू देते हैं। दोस्तों ये इसका रास्ता है, मेन जो रावल चौक है वहाँ से हम राइट होके जाएंगे और बनीगाला से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट होएंगे तो ये रोड बनता है जी, ये सड़क जाता है इसको पार्क व्यू सिटी को। जी दोस्तों, अब हम पार्क व्यू सिटी में एंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसके लीगल स्टेटस पे बात करते हैं। पार्क व्यू सिटी पिछले दिनों में आप सबने सुना होगा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस था और जिसकी वजह से इसकी NOC भी रोक दी गई थी। तो उसकी दो वजूहत थे, एक तो ये जो एंट्रेंस में रोड है वहाँ पे एक किसी ज़मींदार का ज़मीन है जिन्होंने मेरे ख्याल से इनके ऊपर सूट फाइल किया था, तो एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि इन्होंने ग्रीन बेल्ट को ज़्यादा काटा था या डैमेज किया था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दिया था। तो इन्होंने फिर इसको जस्टिफाई किया और फिर इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि भाई हम यहाँ पे मज़ीद दरख्त लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले जी हम लोग इंटर हो चुके हैं इसके बुलेवार्ड से। इंटर होते ही जो ना इसका कमर्शियल एरिया स्टार्ट होता है, डाउनटाउन कहते हैं जिसको हम। यहाँ पर जी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी और कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये डाउनटाउन है मेन, और बिल्कुल डाउनटाउन के अपोजिट साइड पे जो है ना इन्होंने H ब्लॉक दिया हुआ है जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे यानी कि जिन्होंने इनिशियली यहाँ पे ज़मीन ख़रीदी थी उनको ये एक बेनिफिट दिया गया है। और बिल्कुल कमर्शियल जो डाउनटाउन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर H ब्लॉक यहाँ पर पोजिशन वाला घर लोगों ने अपना तैयार किए हुए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है जी एरिया जो डाउनटाउन का, और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी जो ना खूबसूरत से मार्केट्स बनेंगे, यहाँ पे बिल्डिंगें बनेंगी और ये बिल्कुल एंट्रेंस से थोड़ा सा आगे जाके है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ना ज़ोर शोर से जारी है और मशीनरी लगी हुई है, मजदूर है जी सुबह शाम यहाँ पर काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि 2-2.5 साल पहले मैं यहाँ गया था और यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं थी। और अब तो तकरीबन जो है ना रोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक्स बन गए हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स बने हैं। ये है जी डाउनटाउन एरिया, आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत व्यू दे रहा है। और यहाँ पर जब बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी और मार्केट्स बनेंगे तो इसका खूबसूरती जो है ना और भी दोबाला हो जाएगा। पीछे आप बैकग्राउंड में देखें कितने खूबसूरत जो है ना व्यू आ रहा है मार्गला हिल्स का। और ये इस्लामाबाद का एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है ना खूबसूरत एरिया है क्योंकि यहाँ से जो है ना बैक साइड पे इसका बनीगाला लगता है और बनीगाला नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियरली व्यू नज़र आता है बनीगाला का ऊपर से। और दूसरी तरफ जो है ना आपका बैरिया इंक्लेव है मतलब राइट साइड पर। ये जी पूरा डाउनटाउन का एरिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोग तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा डाउनटाउन से जब हम ऊपर की तरफ इनके बुकिंग ऑफिस की तरफ जाते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को मैं व्यू करा देता हूँ नीचे की तरफ जो इनका H ब्लॉक बना है, और H ब्लॉक के अंदर लोगों ने अपना घर भी तामीर किए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर बने हुए हैं। तो हम मीनवाइल कमर्शियल एरिया को ही दिखा रहे हैं क्योंकि कमर्शियल एरिया जो है ना इनका बड़ा खूबसूरत बनने जा रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव जो है ना यहाँ पर बिल्डिंगें तैयार होंगी और बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो है ना यहाँ पे मार्केट्स बनेंगे। तो ये मौका है जी कमर्शियल प्लॉट्स ख़रीदने का। और यहाँ पे 5, 8 और 1 कनाल के मैंने प्लॉट्स आप लोगों को बताए। ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये पार्क व्यू का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे ये H ब्लॉक है जी। H ब्लॉक इन्होंने दिया हुआ है उन इन्वेस्टर्स को जो इनिशियल फेज़ में यहाँ पर जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब जी हम यहाँ डाउनटाउन से निकल के इनके बुकिंग ऑफिस की तरफ जाएंगे और ऊपर से जाके कुछ व्यूज़ दिखाते हैं और फिर आगे जाते हैं जी इनके जो मेन ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं।
जी दोस्तों, अब हम ये इनके बुकिंग ऑफिस पे हम पहुंच गए हैं और ये बड़ा लग्जरियस ऑफिस इन्होंने बनाया है पार्कवे सिटी वालों ने। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बिल्डिंग इन्होंने है, बुकिंग ऑफिस काफ़ी अट्रैक्टिव। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि लोग जो ना धड़ा धड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी बनने जा रही है। ये देखें जी, ये मैं दिखाना चाह रहा था एच ब्लॉक, जो इनके बिल्कुल बुकिंग ऑफिस के नीचे वाले एरिया में है और डाउन टाउन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एंट्रेंस के अंदर कमर्शियल एरिया जो है उसका अपोजिट साइड पे ये एच ब्लॉक है जी। ये बड़ा खूबसूरत लोगों ने घर तैयार किए हुए हैं और यहाँ पे मज़ीद घर बन रहे हैं। ये बिल्कुल पोजीशन वाला प्लॉट्स है जिन्होंने फुल कैश पे करके जो है ना यहाँ पे पोजीशन हासिल की हुई है। ये उनको एच ब्लॉक बना के दिया गया है इनिशियली। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, जिन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वो जाहिर सी बात है सोसाइटी के अनमोल लोगों में से होते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि ये अच्छी सोसाइटी बनेगी, क्योंकि इनिशियली कोई बंदा इतने जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अपना पैसा नहीं लगाता। तो ये था जी सूरत हाल एच ब्लॉक का, मैंने आप लोगों को दिखाया। अब मैंने सोचा कि यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इनके बुकिंग ऑफिस के बिल्कुल फ्रंट साइड पे जी ये एक फूड कोर्ट बन रहा है, बड़ा खूबसूरत फूड कोर्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलेंगे और एक फूड स्ट्रीट की तरह यहाँ बनेगा रेजिडेंशल्स के लिए, और जो बाहर विजिटर्स होंगे, जो भी लोग आएंगे यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं जी। तो हम इनके मेन बुलेवार्ड से आगे की तरफ जा रहे हैं, जो जहाँ पे इनके ब्लॉक्स बने हुए हैं डिफरेंट। तो एच ब्लॉक तो मैंने आप लोगों को दिखाया जो स्टार्ट में ही आ रहा है, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो है ना इनके थोड़ा सा अरेंज नहीं है, मतलब एक से ब्लॉक कहीं बनाए हुए, एक दूसरा कहीं बना हुआ है। तो अब ये है जी डी ब्लॉक। सबसे पहले हम डी ब्लॉक में जाएंगे और ये इसका मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये है जी डी ब्लॉक, और आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तेज़ी से स्टार्ट हो गई है, और जिन लोगों ने पोजीशन लिया हुआ है प्लॉट्स की, वो यहाँ पे अपना घर वगैरह लोगों ने बनाना स्टार्ट किए हुए हैं। और बाकी यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है डी ब्लॉक के अंदर। और अब हम ये डी ब्लॉक की एक खासियत ये भी है कि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता है रास्ता, और समझ ले कि ये टॉप की तरफ हम जा रहे हैं अब, और जो इनका मेन बोर्ड ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से जाके मैं नीचे की तरफ एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये है जी डी ब्लॉक के स्ट्रीट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लॉट्स जी डिफरेंट मरलाज के अंदर कैटेगराइज हुए हैं, और किसी भाई ने भी इन्वेस्टमेंट करनी हो यहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इनका जो प्लान है वो आपसे शेयर कर सकते हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट्स पे किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो, और फुल टाइम जो है ना पेमेंट कैसे, वो एकमुश्त पैसे दे के कैसे प्लॉट हासिल कर सकते हो। तो आपकी इंशाल्लाह मदद कर लेंगे इस हवाले से ना, तो कोशिश करेंगे कि मार्केट से जो है ना अच्छे रेट में आप लोगों को यहाँ पे प्लॉट्स दिला दें। तो जी ये डी ब्लॉक के अंदर हम जा रहे हैं, और ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक जो है ना काफ़ी ऊंचाई पे है, और वहाँ से आपको समझ ले कि सारा पार्क व्यू का व्यू नज़र आएगा। जैसा कि ये मेन बोर्ड है यहाँ पे जो साइन बोर्ड इनका लगा हुआ है, इसके पास भी जाके मैं कुछ नज़ारे करा देता हूँ नीचे वाले एरिए का, जो इनका मेन डाउन टाउन है और एच ब्लॉक है और इनका बुकिंग ऑफिस वगैरह, और जो फूड कोर्ट मैंने आप लोगों को दिखाया वो सारा जी यहाँ से नज़र आएगा। ये काफ़ी ऊंचाई पे है डी ब्लॉक ना इसका। ये देखिए जी डी ब्लॉक से नीचे का व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत एक मंजरकशी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मंजरकशी है जी। यहाँ से जो बंदा भी डी ब्लॉक के अंदर अपना घर बनाएगा या अपना फ्लैट जो भी बनाएगा, तो वो जो है ना यहाँ से बड़े खूबसूरत नज़ारे देख सकेगा। ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी टॉप पे है डी ब्लॉक, और इसके नज़ारे तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, ऑसम ऑसम आप कह सकते हैं। अब देखें मौसम भी एक मतलब कुछ बेहतर हुआ था, खूबसूरत मौसम था इस टाइम, तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे पार्क व्यू सिटी के नज़ारे कर रहे थे साथ साथ, और मौसम को भी एंजॉय कर रहे थे। देखें लोगों ने अपने घर बिल्कुल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कनाल पे, आठ मरले पे, और ये बड़े बड़े जो है ना घर बन रहे हैं। अब हम डी ब्लॉक से निकल के जी आगे जाएंगे, और आगे मैं आप लोगों को एक और ब्लॉक दिखाता हूँ जो इनका बना हुआ है।
ये है बी ब्लॉक। अगला जो ब्लॉक आएगा वो है बी ब्लॉक, ई ब्लॉक, सॉरी ई ब्लॉक। ई ब्लॉक भी जो है ना, अभी इसका लैंड प्लान हो चुका है, प्लॉट्स बिल्कुल रेडी टू सेल है और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स यहाँ बुक कराई है, ले लिया है लोगों ने। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी सोसाइटी बनता है उसका अलाटमेंट तब होता है जब इनका प्लान जो या रिपेमेंट शेड्यूल की जो आपके किस्तें हैं वो पूरी हो जाती है। तो जिन्होंने यकमुश पैसा दे के प्लॉट अपने नाम हासिल किया है वो तो घर बना सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने बुकिंग पे ली हुई है, मतलब 2-3 साल का जितना भी इनका प्लान है, वो तो जब इंस्टॉलमेंट्स पूरा रिपे करेंगे तो ही बना सकेंगे और अलाटमेंट होगी प्लॉट की। तो सूरत हाल ये है जी, यहाँ पे ई ब्लॉक जो है ना इस तरह से डेवलप हो रहा है। पहले मैंने आप लोगों को एच ब्लॉक दिखाया, फिर डी ब्लॉक दिखाया, अब ई ब्लॉक दिखा रहा हूँ। ये ई ब्लॉक है जी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अल्फाबेटिकली जो है ना अरेंज नहीं है, मतलब एक ब्लॉक एक तरफ बना हुआ, दूसरा ब्लॉक दूसरा तरफ बना हुआ, मतलब ए बी सी डी दूसरी जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इस तरह होता है ना, लेकिन अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज नहीं है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स इस सोसाइटी के हवाले से कवर कर लूँ और मैं बता दूँ कि जो भी मतलब खूबियाँ खामियाँ जो भी है वो आपके साथ शेयर करूँ। मुझे तो खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आ रही है, यहाँ पे खामी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट ये सोसाइटी जो है, आप लोगों को पता है मशहूर सियासी शख्सियत मिस्टर अलीम खान जो है उनकी है, और उन्होंने लाहौर में भी पार्क व्यू सिटी बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत तैयार किया हुआ है। लेकिन लाहौर वाले से तो ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसकी खूबसूरती ये है कि ये तो पहाड़ी इलाके में, मतलब हिल स्टेशन के ऊपर है। इस्लामाबाद एक हिल स्टेशन है एक तरह से, और ये जो है एरिया है ये हट के थोड़ा सा ऊंचाई पे है, और यहाँ से बेशुमार इलाके जो है ना आपके नीचे नज़र आ रहे होते हैं। देखिए ये ई ब्लॉक के अंदर हम लोग जा रहे हैं और ई ब्लॉक के ये नज़ारे मैं करा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर, ये सारे जो है ना जगह देख के, सोसाइटी विज़िट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन्होंने पैसे होल्ड किए हैं अपने पास, उनको हवा लगवा लें और यहाँ पर प्लॉट लाजमी ले लें, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बता दूँ आने वाले टाइम में ये सिर्फ लाखों की बात नहीं रहेगी, फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से आप 30-40 लाख में भी यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। जैसे 3.5 मरले का प्लॉट है यहाँ पे, 50-60 लाख तक भी आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं यहाँ पे, मतलब 8 मरला 12 मरला सॉरी 1 कनाल इस तरह से, मतलब करोड़ों के रेंज में आप प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन जब ये पूरी तरह से इसकी डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पे जनाब 50 लाख रुपये में भी मरला नहीं मिलेगा ज़मीन, 50 लाख रुपए में भी मरला ज़मीन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली इस्लामाबाद की एक लैंड की एक वैल्यू है। जब एक जगह CDA से अप्रूव्ड होती है प्रॉपरली तो उसकी वैल्यू तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जिन्होंने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, जिस भाई ने भी, तो वो लाजमी इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर और हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें, हम भी कोशिश करते हैं आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी डील करवा दें। अच्छा, ई ब्लॉक से मैंने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया जी और मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं, और मज़ीद ऊंचाई पे जो है ना जाएंगे आगे, और फर्दर हम दिखाएंगे कि आगे जो है ना कौन से ब्लॉक से, क्योंकि मैं यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैं आया था और यहाँ पर लैंड उन्होंने खरीदा हुआ था, अभी इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ विज़िट किया और मुझे लगा कि ये तो एक बेहद ही खूबसूरत सोसाइटी बनने जा रही है, मैंने तो ये फील किया और आप लोग भी डेफिनेटली यही फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये विजुअल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी माइंड मेकअप हो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप तैयार हो जाएँ। शुरू में मुझे भी लगा कि अगर NOC का इशू होता यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम था, NOC जिस सोसाइटी को नहीं मिलती वहाँ पे काम रुक जाता है,
प्रॉब्लम्स क्रिएट होते डिफरेंट, तो अब एनओसी का मसला भी यहाँ पे हल हो चुका है। अच्छा जी, ये देखें हम अब एफ ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। ये एफ ब्लॉक है जी, एफ ब्लॉक भी अब बन रहा है, लैंड यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, इनकी कटिंग है, एफ ब्लॉक की कटिंग है ये, और यहाँ पे भी मशीनरी ज़ोर शोर से लगा हुआ है। और यहाँ का व्यू आप चेक करें, ये आपके उस साइड पे आपको बनिगाला नज़र आ रहा है, और ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं यहाँ पे। आपको इमरान ख़ान साहब का घर भी उसकी बाउंड्री वॉल्स में नज़र आ रहा है यहाँ से। और ये एफ ब्लॉक है जी, एफ ब्लॉक का ये ओवरव्यू है। साइड बाई साइड जो ना यहाँ पे और इसके नीचे वाला साइड पे सारे स्ट्रीट्स भी बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगे हुए हैं, और रोड बिल्कुल कारपेटेड हो चुके हैं। मतलब डेवलपमेंट के बात अगर मैं करूँ तो ये रातों रात जो है ना इसमें डेवलपमेंट हो रही है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा तो 2 साल के अंदर अंदर ये सोसाइटी जो है ना खड़ी हो जाएगी। और जिस तरह से और जिस तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है उससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये बहुत बेहतरीन फ्यूचर है इस सोसाइटी का, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इसका। तो अभी देखें, पैसे होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा करेंसी तो दिन ब दिन डीवैल्यू होते जा रहा है, पाकिस्तानी करेंसी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो उसको कहीं ना कहीं किसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय हम बैंक में रख के उस पर सूद लगवाएं, उससे बेहतर है हम किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट करें और हलाल मुनाफा कमाएं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने दोस्तों से, फिर अपील करूंगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, मेरे थ्रू ना करें, किसी और के थ्रू करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि भाई मैं इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई पेमेंट मिली है इस वीडियो बनाने का, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ खैर ख्वाह हूँ आप लोगों का, आपसे ये समझ लें, ठीक है। तो भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस्लामाबाद में बड़े लिमिटेड सोसाइटीज़ है जहाँ जो इस तरह के इस पैटर्न पे बने हुए हैं। मैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट की तरफ भी जो सोसाइटीज़ बने हुए हैं वहाँ पे भी जाऊँगा, और उस एरिया का भी जो है ना एक ओवरव्यू आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह, सारा वीडियो बना के डिफरेंट सोसाइटीज़ के, और उनको मैं कैटेगरी वाइज बताऊँगा कि कौन सी सोसाइटी सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो इंसान इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से पैसे लगाते होते हैं, और कुछ लोग जो है ना अपना जमा पूंजी लगाते हैं कि चलो एक घर हो एटलीस्ट हमें, कुछ लोग किराए पे रहते हैं उनको एक घर चाहिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो जमा पूंजी वाले हैं उनके लिए भी ये मेरा पैगाम है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको नुकसान नहीं होगा इसमें ना, लैंड और प्रॉपर्टी आप कभी नुकसान नहीं देते, बाकी इधर उधर पैसे रखने से मेरा नहीं ख्याल के फ़ायदा है, उसको हवा लगवाएं और इन्वेस्टमेंट करें। ये है जी ओवरऑल एरिया जो है ना इसका। अब हम बी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं जी, ये है जी हम पहुंच गए यहाँ बी ब्लॉक के पास, और यहाँ पे भी बी ब्लॉक तो ऑलमोस्ट बन गया है, यहाँ पे सारे घर तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रीट सारे बन गए हैं। ये देखें ये घर बने हुए जी, यहाँ पे लोगों ने पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं सारे, और यहाँ पे लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं, कुछ लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हुई, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, कुछ लोगों ने लेआउट लगाए हुए हैं, वो DPC वगैरह लगाए हुए हैं, और इसी तरह से जो है ना यहाँ पे काम तेज़ी से स्टार्ट है, लोग घर बना रहे हैं, लोगों ने मटीरियल वगैरह मंगवाया हुआ है, घर तैयार हो रहे हैं। तो लिहाजा सोसाइटी जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी तेज़ी से जो है ना ये सोसाइटी ग्रो कर रहे हैं और बन रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं बेहतरीन तरीके से बिल्ड हो रहा है। ये बी ब्लॉक के नज़ारे हैं, यहाँ पे आप देख लें घर बने हुए, लोगों ने रहना भी स्टार्ट किया हुआ है, इधर कुछ ग्रे स्ट्रक्चर्स तैयार है, कुछ कंप्लीट घर हैं, ये देखें ये कंप्लीट घर है मेरे राइट साइड पे बना हुआ है। तो ये है जी बी ब्लॉक का सूरत हाल, बी ब्लॉक में बिल्कुल स्ट्रीट्स तैयार है, बेहतरीन किस्म के घर लोगों ने बनाए हुए हैं यहाँ पे। अब हम बी ब्लॉक से भी एग्जिट करेंगे और बस अपने एंडिंग कलमात की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो है ना ओवरऑल एक रिव्यू आप लोगों को दे दिया है मैंने, तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मज़ीद आप लोगों को क्या देखना पसंद, आप लोग क्या देखना पसंद करोगे ये भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाऊँ। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, होपफुली आप मुतमईन होंगे इस ओवरऑल रिव्यू से। तो अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरा चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मीरबाज़ खान को इजाज़त दीजिएगा, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।